हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, आप भी टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किए हो और वीडियो बनाकर उस पर डालते हो तो उस वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट के वीडियो को कैसे प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही दिए बेल को भी क्लिक कर लेना। तो सबसे पहले आपको वीडियो एडिटिंग के लिए पड़ेगी जरूरत एक ऐप की, उसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर ऐप आप जैसे प्ले स्टोर पर डालोगे तो एक नंबर पर ही आ जाएगा, तो उसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे रेशियो चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको एक नंबर का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है जो कि टिकटॉक के लिए होता है। तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है, तो आप जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहते हो यहाँ पे मीडिया में जाकर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक वीडियो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद उसकी एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वीडियो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे टिक दिखेगी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो ये वीडियो ऐसा है, ये फुल स्क्रीन चलेगा जब आपकी एडिटिंग फुल हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे साउंड ऐड करना है, तो इसका साउंड, इस वीडियो का साउंड निकालना है, तो आप इस पर टैप करना है। और साउंड यहाँ पे गायब करना चाहते हो तो यहाँ पे साउंड पूरी तरह से गायब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस पर टैप करने के बाद वो साउंड गायब हो जाएगा। और इस वीडियो को कहाँ तक का आपको स्लो मोशन फास्ट मोशन देना है, तो आपको इस वीडियो को टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीड वाला दिख जाएगा, तो आपको स्लो मोशन करना है तो यहाँ पे जाना है, और फास्ट मोशन करना है तो यहाँ पे जाना है। जितना चाहे फास्ट कर सकते हो, जितना चाहे स्लो कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे स्लो और फास्ट कर सकते हो। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, ये आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन के लिए था। तो अब आपको बात आती है कि आप एक पार्ट को ही स्लो करना चाहते हैं जो कि बहुत ही छोटा है, तो आपको उसको ही स्लो करना है। तो आपको इस वीडियो पर एक बार टैप करना पड़ेगा, उसके बाद कट करना पड़ेगा। जितना चाहे आप कट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके दो पार्ट कर लिए। अब आप कितने से कितने तक ये करना चाहते हैं, या से आपको वीडियो प्ले कर देखना है कितना आपको स्लो मोशन या फास्ट मोशन करना है, तो आपको उसमें बीच रोक देना है। उसके बाद इस पर एक बार टैप कर लेना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कट पर जाना है और यहाँ पे कट कर लेना है। यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर लेना है। जैसे ये दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको इस पर एक बार टैप कर लेना है और इसका जो स्लो मोशन करना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है स्पीड। तो आपको स्पीड में जाकर इसका स्लो मोशन कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, किसी भी पार्ट का आप स्लो मोशन करना चाहते हो, जैसे कि इसका करना चाहते हो, स्पीड पर गए, बहुत ही स्लो कर दिया, बहुत ही स्लो हो जाएगा ये वीडियो। और फास्ट मोशन करना चाहते हो तो फास्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गई स्लो मोशन और फास्ट मोशन की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मीडिया पर जाकर आप दो वीडियो एक साथ चला सकते हो, दूसरा वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो और एक साथ चला सकते हो, और फोटो भी आप रख सकते हो। जैसे कि मैं एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद रख लेना है आप कहाँ पर रखना चाहते हो, इस तरीके से कहाँ पर भी लगा सकते हो। उसके बाद कितनी देर तक रखना चाहते हो, यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप फोटो ऐड कर सकते हो, नहीं तो दो वीडियो एक साथ भी चला सकते हो। तो अब बात आती है, यहाँ पे आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, कोई भी म्यूजिक। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे म्यूजिक है, यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सॉन्ग में आपके लाइब्रेरी के म्यूजिक यहाँ पे दिख जाएंगे, या से वो म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वो होने के बाद ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप इफेक्ट भी देख सकते हो, कोई भी इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है, आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो ये जैसे टेक्स्ट आ जाएगा, उस टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो, ग्लो भी ला सकते हो। यहाँ पे ये ओपन कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा है, इसे कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से, कहाँ भी शिफ्ट कर भी सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और कलर, यहाँ पे कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल ही जाता है, कौन से कलर में आप लेना चाहते हैं ये यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो ये हो गई टेक्स्ट की बात। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, उसके लिए आपको लेयर में फिर से जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं या से जाकर, ये भी आपकी बात हो गई। अब आप बात करते हैं आपके वीडियो में कुछ रह गया है, आपको कुछ रिकॉर्ड करना था, तो आप यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। वहाँ पर जाकर आपको ये लेयर दिख रही है, ये सीधी दिख रही है, यहाँ पे जाकर आपको स्टार्ट पर कर लेना है क्लिक। उसके बाद आप जो भी बोलेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो गया है। अब इस यहाँ पे स्टॉप कर ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी सेव और डायरेक्टली वीडियो पर हो जाएगी प्ले। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये गई वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको जो भी आपने एडिट किया हुआ है उसे कैसे प्ले करें। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, कभी प्ले कर देख सकते हो कैसा वीडियो बना है, किस तरीके से आपने एडिटिंग की है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप प्ले भी करके दिखा सकते हैं। तो उसके बाद आप चाहते हैं कि इसे क्रॉप करना, तो आपको इस पर टैप करना पड़ेगा। जैसे आप जिसे भी क्रॉप करना चाहते हो उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप जितना भी क्रॉप करना चाहते हो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो, जिससे कि इस तरह से क्रॉप कर सकते हो, ये देख सकते हैं।
जैसे कि जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हो, आपको कोई लिमिट नहीं है, कहाँ भी ये वीडियो शिफ्ट कर सकते हो इस तरीके से। और ये दोनों तो इक्वल का होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे टिक कर लेनी, उसके बाद वो क्रॉप हो जाएगा, बड़ा या छोटा भी हो जाएगा। इस तरीके से आप बड़े आसानी से क्रॉप भी कर सकते हैं, और ऑप्शन बहुत सारे हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें एक एक टूल्स बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है गायब करने के, आउटर लाइन, अंडर लाइन, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं अपने टिकटॉक वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।